Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो न्यू फिश के अनबॉक्सिंग के ऊपर होने वाला है। तो अनबॉक्सिंग तो मैंने पहले से ही करके पानी में डाल दिया है, जिसमें मैं इसे शिफ्ट करने वाला हूँ। तो ये रेयर वैरायटी ऑफ एंजल्स हैं, जिसमें ब्लू एंजल्स हैं। आज मैं ब्लू एंजल्स लेके आया हूँ, और इसे ब्लू एंजल्स बोलते हैं। ब्लू कलर की बाद में हो जाती है जब बड़ी होती है। तो ये मैं दो पेयर स्मॉल लाया हूँ और दो पेयर लार्ज साइज की ब्लू एंजल्स फिशेस लाया हूँ। तो मैं अभी इसमें ऐड करूँगा, और उस साइड आप देख ही पा रहे होंगे मोनो एंजल्स हैं। उस साइड मोनो एंजल्स हैं और मेरी नौ मोनो एंजल्स जो सुरक्षित है, और इस साइड में ब्लू एंजल्स रखने वाला हूँ। तो चलिए पहले प्लास्टिक से मैं इसे खोलता हूँ, टैंक में शिफ्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। प्राइसिंग बताता हूँ इसकी, कितनी प्राइस में मिली है, और इसकी केयर सबकी वीडियो तो बाद में आएगी। और इसमें मैं पहले ऐड कर देता हूँ, उसके बाद ऑक्सीजन चला देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। पहले प्लास्टिक खोल के मैं इसे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बने रहिए। चलिए मैं इसे शिफ्ट करता हूँ एक एक करके, स्मॉल वाली पहले तो डालता हूँ, अब आप देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। तो ये मेरी एंजल्स फिशेज है, जो कि बहुत शानदार वैरायटी की आई हुई है। तो बने रहिए वीडियो में। तो मैं रेयर वैरायटी जो कि ब्लू एंजल्स है, अब जा रही है वाटर में, आप देख ही पा रहे होंगे। तो ये मेरी ब्लू एंजल्स, ये स्मॉल वाली है। अभी प्राइस भी मैं बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में, कि कितनी अंतर होती है प्राइस की स्मॉल और साइज में। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी उतनी उतनी प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। तो ये मेरी ब्लू एंजल्स है जो कि पानी में जा रही है। तो ये मेरी स्मॉल वाली एंजल्स फिस गई है पानी में, ठीक है। उस साइड एक दो तीन चार, दो पेयर स्मॉल वाली। अब चलिए बड़ी वाली शिफ्ट करते हैं, और बने रहिए वीडियो में। चलिए अब बिग वाली जो ये है ब्लू एंजल्स, उसे अब मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। तो एक एक करके बने रहिए, देखिए कैसी लगती है मेरी टैंक में। जब मैं इसे शिफ्ट कर दूंगा तो फिर अभी बताऊंगा एक एक करके। तो ये बड़ी वाली है, ये पहली ब्लू एंजल्स गई। बहुत रेयर वैरायटी है, बहुत ज़बरदस्त दिखती है। ये दो और गई, एक और बचा हुआ है, दो पेयर ये वाली भी थी। ये टोटल चली गई है इसमें। अब मैं आपको थोड़ा सा कैमरा को पास करके दिखाता हूँ, ठीक है, बने रहिए वीडियो में। और थोड़ा वाटर गंदा है, पर उतनी डर्टी नहीं है, मैं फिल्टर चला के इसे साफ कर दूंगा। इसमें भी मैं स्पंज फिल्टर ऐड करूंगा, ताकि नीचे के जितने भी डस्ट है वो उसे सक कर ले, ठीक है। तो ये मेरी ब्लू एंजल्स है जो ज़बरदस्त दिख रही है, और पहली बार मैं लेकर आया हूँ। स्पेस ट्रैप है, आप देख ही पा रहे होंगे, और लाइन लाइन है, इसी को ब्लू एंजल्स बोलते हैं। जैसे जैसे ये बड़ी होगी बहुत ज़बरदस्त दिखने लगेगी, ठीक है। स्मॉल वाली का प्राइस मैं बता दूँ, स्मॉल वाली का प्राइस 40 रुपीज़ ईच है, यानी चार है तो 160 की। और ये जो आपकी ये वाली दिख रहे हैं, इसकी प्राइस 75 रुपीज़ है। तो आप देख ही सक रहे हैं कितना अंतर है, 40 और 75। तो बड़ी वाली जो आपको ब्लू एंजल्स दिख रही है वो 75 ईच है, और फिर जो वो है छोटी वाली वो 40 ईच है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ज़बरदस्त दिख रही है, 8 पीसेज है। अभी मैं इसमें ऑक्सीजन स्टार्ट कर दूंगा, ताकि इससे भरपूर ऑक्सीजन मिले। तो ये मेरी अभी ब्लू एंजल्स है जो ज़बरदस्त दिख रही है। सॉरी थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, क्योंकि दिन में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए शोर शराबा हो रहा है। तो ये मेरी ब्लू एंजल्स है। तो अभी इस पूरे टैंक को मैं दिखाता हूँ, जो कि मेरी एंजल्स की टैंक है। तो आप बने रहिए। तो ये मेरी एंजल्स की टैंक है, 4 फीट है इसकी लेंथ, 4 फीट है इसकी लेंथ,
आप देख ही पा रहे हैं 4 फीट है इसकी लेंथ, 1 फीट है हाइट और 1 फीट है इसकी विड्थ। ठीक है, तो ये मेरी है ब्लू एंजल्स और मोनो एंजल्स की टैंक। इधर इस साइड है ब्लू एंजल्स और इस साइड है मोनो एंजल्स। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा कैमरा पास करके दिखाता हूं। आज जो मैं फिशेस लेकर आया हूं ये है ब्लू एंजल्स, तो ये मेरी मोनो एंजल्स और ब्लू एंजल्स की टैंक शिफ्ट हो चुकी है। एक साइड है मोनो एंजल्स जो कि बहुत दिन से है, आपको पता होगा ही, और दूसरे साइड है ब्लू एंजल्स। अब इसमें मैं वाटर फिलअप करूंगा, थोड़ा कम वाटर है, ठीक है, कम से कम और वाटर रहना चाहिए वहां तक, और फिर एंटी क्लोरीन भी ऐड कर दूंगा। ये पुराना वाटर है इसलिए मैंने इसे रखा था पहले से रन करके, और अभी मैं ऑक्सीजन और फिल्टर दोनों चालू कर दूंगा। तो ये दोनों जो एंजल्स फिशेज देख रहे हैं एक साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मोनो एंजल्स जो है वो अटैकिंग किस्म की फिशेज होती है, और ये जो आप देख रहे हैं इस साइड वाली जो कि ब्लू एंजल्स है वो अटैकिंग नहीं होती है, वो शांत किस्म की फिशेज है। देख ही पा रहे होंगे मोनो एंजल्स कितना कोशिश कर रही है कि डाइवर्सन के इस पार आ जाए, पर आने वाली है नहीं। तो ये मेरी मोनो एंजल्स और ब्लू एंजल्स की टैंक थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है, और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब टैंक एक जगह मैं करने वाला हूँ, सब टैंक का एक स्टैंड बनवाने वाला हूँ जो कि थोड़े दिन में काम शुरू होगा। तो बने रहिए, एक जगह मैं सारे टैंक को शिफ्ट करूँगा, उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाऊंगा होम टूर का। अभी और भी एक दो टैंक आने बाकी है, तो बने रहिए वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और मेरी फिशेज अच्छी लग रही हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और एंजल्स बहुत खूबसूरत फिशेज होती है, मुझे तो बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ज़रूर लेके आता हूँ। ब्लू एंजल्स तो ज़बरदस्त दिख रहा है, टोटल इसमें 4 पेयर ब्लू एंजल्स है, और उधर 9 पीसेस मोनो एंजल्स है, जो कि मेरे पास 18 पीसेस थे जिसमें से मैंने रिटर्न कर दिया था 9 पीसेस और 9 पीसेस रख लिया था। ठीक है, तो 4 फीट टैंक में एंजल्स टैंक मैंने बना दिया, कुछ में मोनो एंजल्स है और कुछ में ब्लू एंजल्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे इस सब के हर एक केयर के साथ। पहले देखते हैं क्या मैं क्या फीड देता हूँ, कैसे रखता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियो आने बाकी हैं अभी भी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें। और एंजल्स की केयर, मोनो एंजल्स की केयर पे तो मैंने बहुत वीडियो बनाया है, तो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लें। पर ये जो रेयर वेराइटी ब्लू एंजल्स है इसकी अब मैं केयर पे वीडियो बनाऊंगा, और देखते हैं कैसी लगती है। और अभी मैं स्पंज फिल्टर इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि स्पंज फिल्टर ज़रूरी है मोनो एंजल या कोई भी फिशेज के लिए। एंजल फिशेज में आप पावर फिल्टर ना यूज़ करें, तो क्योंकि वो स्लो स्विमर वाली फिशेज होती है, तो उसमें ना यूज करें। ठीक है, आप जो यूज़ करना है तो फिर स्पंज फिल्टर ही यूज़ करें, नहीं तो टॉप फिल्टर ही यूज़ करें। ठीक है, तो मोनो एंजल्स में पावर फिल्टर लगा सकते हैं, इसमें आप नहीं लगा सकते इस साइड में। तो ये हो गई मोनो एंजल्स, ये हो गई ब्लू एंजल्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी फिशेज अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और फिशेज हॉबीस्ट को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। एक बार मैं थोड़ा आपको पास से दिखा देता हूँ ब्लू एंजल्स, ठीक है, जो कि आज मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये रही मेरी ब्लू एंजल्स, टोटल 4 पेयर ब्लू एंजल्स है जैसा कि मैंने बताया, और देख ही पा रहे होंगे, पास से और दिखा देता हूँ मैं, रेयर वेराइटी है, बहुत ज़बरदस्त दिखती है। इस पे जो स्ट्राइप बने हुए हैं, स्ट्राइप जो बने हुए हैं ये, ठीक है, वो ज़बरदस्त दिखता है। तो ये मेरी मोनो एंजल्स है। चलिए, बहुत शोर शराबा अभी हो रहा है, दिन का समय है तो इसलिए हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को अब लंबा नहीं खींचते हुए। ठीक है, बाय बाय।